Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In this video lecture, we are going to discuss chloride bicarbonate exchanger. ठीक है, तो ये टॉपिक है एक हमारा सेल बायो में क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सी एस आई नेट में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना. छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर होने को. ठीक है, तो इसको हम एनायन एक्सचेंज प्रोटीन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं एनायंस? क्योंकि एनायंस का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, है ना. तो इसमें जो है नेगेटिव चार्ज की ट्रांसफर होती है एक साइड से दूसरे साइड में. ठीक है, जैसे कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसीज की है वहाँ पे होता है. ठीक है, ये हमारी है आरबीसीज और ये है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे ये प्रोसेस परफॉर्म होगा. क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है जब हम ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ना हमारी, तो थोड़ा सा रेजिड्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, है ना, वो हमारी जो है टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है. तो उसको पास आउट करने के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म होता है उसको हम क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर बोलते हैं. टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसके बाद वो कैपिलरीज में मूव करती है, कैपिलरीज के थ्रू वो आरबीसीज में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो आरबीसीज में जाके वो कंबाइन करती है वाटर से. तो एंड द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू कन्वर्ट होके एच पॉजिटिव एंड एच सी ओ थ्री नेगेटिव जो है कार्बोनेट बना देती हैं. ठीक है, ये कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बनते हैं, फिर दोबारा से ये स्प्लिट हो जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि इनका एक्सचेंज होता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज. तो ये एच सी ओ थ्री नेगेटिव है वो बाहर जाएगा. ठीक है, ये प्लाज्मा में मूव कर जाता है एच सी ओ थ्री, और जो जब ये मूव कर रहा है बाहर को, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनायन की है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो क्लोराइड प्रेजेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज लेके अंदर आ जाता है, जिससे हमारी जो अनबैलेंसिंग है ये नेगेटिव चार्ज की वो पूरी हो जाएगी, जिसको हम क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज के नाम से जानते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, एच सी ओ थ्री नेगेटिव आयन मूव इन अ वन डायरेक्शन एंड क्लोराइड आयन्स मूव इन अ अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं, है ना, वो साइमल्टेनियसली इन अनायंस की मूवमेंट होती है, एक बाहर जा रहा है तो दूसरा अंदर आ रहा है. ठीक है, कोई नेट ट्रांसफर नहीं होती चार्ज की, इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है, कोई ज़्यादा चार्ज बाहर नहीं जाता है, कोई कम चार्ज अंदर नहीं आता है. ठीक है, तो इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनिक. ठीक है, जब ये चार्जेस की ट्रांसफर होती है अंदर से बाहर तो उसको हम इलेक्ट्रोजेनिक बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज में परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो उस यहाँ इस मेम्ब्रेन में. ठीक है, तो ये इसका मोटिव यही होता है, तो इसका यही मोटिव होता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे पास आउट किया जाए. ठीक है, तो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर यहाँ पे इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है जब, तो क्लोराइड अंदर आ रहा है. तो इस यहाँ पे जब क्लोराइड अंदर आएगा उसको हम बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट, कि क्लोराइड इस साइड शिफ्ट कर गया है और इसने हमारा जो एनायन है वो बैलेंस कर दिया है दोनों साइड में. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.